सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 11 की इंडियन इकोनॉमी बुक है उसके, ये है इंटरनेशनल ट्रेड। पहले एक सिंपल से जो टॉपिक है ट्रेड, उसको समझते हैं ट्रेड क्या है। देखिए ट्रेड हमारे क्या है कि हम जिन वस्तुओं को बाई करते हैं, मतलब खरीदते हैं एंड सेल करते हैं, मतलब उनको बेचते, जब हम वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं तो इसको कहते हैं ट्रेड, व्यापार। व्यापार दो तरह का होता है, तो होता है नेशनल, राष्ट्रीय, और दूसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल। जब हम देश के अंदर ही वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं, जब हम देश के अंदर ही वस्तुओं को खरीदते और बेचते हैं तो उसको कहते हैं नेशनल, और जब हम अपने देश से दूसरे देश के अंदर बेचते हैं, दूसरे देश से हमारे देश के अंदर जो वस्तुएं आती हैं उनको बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड। अब क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में दो चीजें होती हैं, एक होता आयात एक होता निर्यात। जो एक्सपोर्ट होता है, एक चीज आती है इसके अंदर एक टर्म, हमें पहले जो टर्म है वो समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको आसानी से ये चीजें याद रहेंगी। एक्सपोर्ट है, इसको बोलते हैं निर्यात। निर्यात का मतलब होता है जब हमारे देश के अंदर जो चीजें आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो जाए, या उन चीजों का जो प्रोडक्शन है वो आवश्यकता से अधिक हो जाए, तो हम उन चीजों को क्या करते हैं, दूसरे देशों में भेज देते हैं। तो इस प्रकार जो ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, निर्यात। फिर आते हैं हम, पहला तो क्या होगा, दूसरा होता है हमारा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या है, इम्पोर्ट का मतलब होता है हिंदी के अंदर आयात। आयात आयात का मतलब होता है आना। जब हमारे देश में किसी चीज की कमी हो या हमें जरूरत पड़े उस चीज की, तो हम दूसरे देशों से मंगवा लेते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्पोर्ट। आयात और जो निर्यात है इसके अंदर आपको अंतर है वो समझ आ गया होगा। इसे क्या होता है, इससे एक चीज उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं बैलेंस ट्रेड। अब बात करेंगे बैलेंस की, ट्रेड के अंदर एक चीज आती है बैलेंस ट्रेड। एक ये डेफिनेशन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बैलेंस ट्रेड, जब किसी देश के अंदर क्या हो, इंपोर्ट है, इंपोर्ट कम हो और एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हो, तो इसको बोलते हैं बैलेंस ट्रेड। दूसरा होता है अनबैलेंस ट्रेड। क्या होता है अनबैलेंस ट्रेड, ये सेम है दोनों, देखना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो इंपोर्ट है, जो आयात की गई जो वस्तुएं हैं वे अधिक होती हैं, और जो निर्यात की गई जो वस्तुएं, जो एक्सपोर्ट की जो वस्तुएं होते हैं, जो गुड्स होते हैं वो कम होते हैं। इस प्रकार इनको बोलते हैं हम बैलेंस और अनबैलेंस ट्रेड। अब बात करते हैं कि इंडिया का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड था, आपने उतार लिया होगा या फिर ये तो बेसिक टर्म है उन चीजों के। अब जो इंडिया का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड है उसकी बात करेंगे। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहरी, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल, इंडिया का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड है, ये मैं आपको बता देता हूं, इंडियन एक्सटर्नल ट्रेड, इंडिया का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो कितना है, हम पहले कितना था, 12-14 करोड़ इतना था। फिर ये 2009 और 10 में कितना हो गया, 2009 और 10 में बढ़कर 27 करोड़ हो गया, जबकि 2016 और 17 में यह बढ़कर 44.29762 करोड़ हो गया। देखिए इंडिया का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड था, एक्सटर्नल का मतलब यहाँ पे मैं बात करूं तो यहाँ पे है, ये है इंटरनेशनल ट्रेड।
क्या है ये? इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये इतना था। इसके कई कारण है कि ये बढ़ा क्यों, इसके बढ़ने के कारण क्या है, वो फैक्टर आपको मैं अभी बता रहा हूं। यहां पे बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। इंक्रीज, इंक्रीज ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड के जो फैक्ट जो रीजन थे, अब उनकी बात करेंगे कि ये बढ़ा क्यों, उन सभी चीजों के बात करेंगे अभी तो क्यों बढ़ा। पहला जो पॉइंट है वो तो है हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा पॉइंट क्या हो कि हमारी मार्केट, पहले क्या होता था, अब मार्केट के अंदर जो प्राइवेट है वो इंक्लूड होने लगे। पहले डी लाइसेंस की प्रक्रिया थी, और तो इसके कारण क्या होते हैं, कुछ जो सरकारी जो संस्था जो सरकारी जो संस्थाएं थी या जो सरकारी जो डिपार्टमेंट था वही मार्केट के अंदर अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको जमा सकता था। पर 1992 के अंदर, 1992 के अंदर सरकार ने क्या किया, ग्लोबलाइजेशन को अपनाने के बाद इस चीजों में छूट कर दी, डी लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया में छूट की, और छूट करने के बाद जो मार्केट है इसके अंदर जो प्राइवेट सेक्टर है वो आसानी से इन हो सकता था और आउट हो सकता था, आसानी से वो जा सकता था, अपना जो बिजनेस है वो कर सकता था और उससे बाहर आ सकता था, ये चीज थी। तीसरा पॉइंट आता है कि पहले जो टैक्सेस थे उनको रिड्यूस कर दिया गया, उनको क्या है कि जो कम है वो कर दिया गया। पहले टैक्स लेते थे अब जो विदेशी कंपनियां भारत के अंदर आती थी, अब उनको क्या किया, जो टैक्स है वो हटा दिए गए। एक कारण तो ये हो सकता है, और दूसरा कारण क्या है, ग्लोबलाइजेशन को जब इंडिया ने अपनाया तो उसके बाद भी क्या हुआ, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो काफी बड़ी संख्या में इंडिया के अंदर है वो बढ़ा, ये कारण है। एक कारण हो सकता है हमारे यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है या फिर जो सेकेंडरी जो सेक्टर है हमारा, सेकेंडरी जो सेक्टर है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ। तो इसकी वजह से भी क्या है कि हमारे देश का जो एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, या ये उसके सभी कारण थे कि किन कारणों से हमारा जो एक्सटर्नल जो ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, आपको आसानी से पता चल गया होगा। अब बात करेंगे इनके कंपोजिशन के, कि जो कंपोजिशन है उनकी बात करेंगे कि किसके अंदर ज्यादा हुआ है, क्या इंपोर्ट ज्यादा हुआ है या एक्सपोर्ट है वो ज्यादा हुआ है, हमारे देश का ट्रेड है वो बैलेंस है या अनबैलेंस है, इन सभी चीजों के बारे में हम आप लोगों के साथ डिस्कस है वो करेंगे। चलिए देखते हैं अभी हम उन्हीं के बारे में कंपोजिशन पे कि इंडिया का इंपोर्ट और जो एक्सपोर्ट का जो कंपोजिशन है वो कैसा है। चलिए अब बात करते हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्ट का जो पैटर्न है जो कंपोजिशन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कि कितना जो मार्केट है उसके अंदर एग्रीकल्चर कितना शेयर करता है और ओर एंड मिनरल्स हम कितना शेयर है वो करते हैं। चलिए इन बातों में बात उन इन पे डिस्कस करते हैं। देखिए एग्रीकल्चर एंड अलाइंड पे क्या करते हैं हम, 2010 और 11 में 9.9% एक्सपोर्ट में जो शेयरिंग जो परसेंटेज था वो इतना था, और 2015 और 16 में इतना, 2016 और 17 में इतना हो गया। देखिए ये चीजें कुछ ये डाटा है वो आपको सभी के सभी जो याद है वो करने की जरूरत नहीं है। अब वो ये पूछेगा कि कौन से, आपसे सीबीसी जो क्वेश्चन है वो ये पूछ सकती है कि कौन से कारण है कि जिसके कारण कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स है वो लगातार हम जो एक्सपोर्टिंग है जो एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं उनके अंदर जो शेयर है वो बढ़ा है, ऐसे जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि उन कारणों की व्याख्या कीजिए या वे रीजन बताएं जिनके कारण क्या है कि हमारा 2016 और 17 में मैन्युफैक्चर जो गुड्स है वो 73% है, वो लगातार 73.6 है, वो लगातार जो है इंक्रीज होते जा रहे हैं, उन चीजों पर आपसे जो क्वेश्चन वो पूछ सकता है। ये अलग अलग इनके शेयर हैं अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान, आप आसानी से बता सकते हैं इन चीजों को, एक बार देख लीजिए या इन चीजों को नोट कर लीजिए।
चलिए अब बात करते हैं एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिशनल आइटम। ट्रेडिशनल आइटम का मतलब यहाँ पे ये है कि इंडिया जो प्राचीन समय से जो बेचता जो आ रहा है, जिन चीजों का जो व्यापार है वो करता रहा है, उन चीजों में लगातार कमी आई है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे टी की या फिर कॉफी की मैं बात करूं यहाँ पे, उनमें क्या है कि लगातार जो गिरावट है वो आई है। जैसे जो प्राचीन समय से जो इंडिया है जिन चीजों को बेचता रहा है, जिन चीजों को व्यापार है वो करता रहा है, उन चीजों में क्या है कि एक्सपोर्ट है वो कम हुआ। जो एरो नीचे की साइड है ये बता रही है कि कम हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर जैसे फ्रूट है, फ्लावर्स है, इन चीजों का जो व्यापार है वो बढ़ा है। एक्सपोर्ट के अंदर इन चीजों का जो परसेंट जो शेयर है वो क्या हुआ, वो बढ़ा है। फिर इसके अंदर आते हैं मैरीन प्रोडक्ट। मैरीन प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे फिश है या फिर जो हमारे जो ओशियन है उनसे जो मिनरल्स जो निकलते हैं उन चीजों को हम बाहर भेजते हैं, तो मैरीन प्रोडक्ट हुए। और लास्ट है हमारा शुगर, कि जो शुगर है वो भी इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट के मामले में। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ये भी क्या हुआ है, जैसे जैसे हमारा जो सेकेंडरी जो सेक्टर है वो इंक्रीज हुआ है, वैसे वैसे कि जो इंजीनियरिंग जो प्रोडक्ट है वे भी एक्सपोर्ट में बढ़े हैं। आपको आसानी से समझ आया होगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। इंपोर्ट देखिए, अब इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ऐसे ही डाटा है उसके भी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। जो इंपोर्ट का जो कंपोजिशन है, जो संगठन है उसकी बात करेंगे। देखिए शुरुआती जो टाइम था इंडिया का, तो उसके अंदर क्या हुआ, 1950 और 60 के दशक के दौरान। चलिए देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कुछ पॉइंट है। इसे देखिए 1950 और 1960 के दशक के दौरान, दशक का मतलब 10 सालों के अंदर ही क्या हुआ, इन 10 सालों के अंदर क्या हुआ इंडिया के अंदर, इंडिया हाल ही इसी समय आजाद हुआ था, तो इस समय बड़ी समस्या में जो फूड ग्रेन्स है, खाने की जो चीजें हैं, खाद्यान्न जो वस्तुएं हैं, उन चीजों इन चीजों को बड़ा ही आयात किया गया, जो इम्पोर्ट है वो बड़ी मात्रा में किया गया। फिर इसके बाद क्या हुआ 1970 के दशक में, एक पॉइंट तो आपको ये पॉइंट बन गया हमारा कि 1950 और 60 के दशक में क्या हुआ कि बड़ी संख्या में जो फूड ग्रेन्स थे वो आए थे, क्योंकि हमारे देश में इतनी एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ 1960 और 70 के दशक में क्या आया हमारे देश में, फूड ग्रेन आए। दूसरी चीज़ क्या है कि 1970 के दशक में भारत के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, एचआर का मतलब है ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो आई, इससे बड़ी संख्या में क्या हुआ कि हमारे जो उत्पादन है, जो फूड ग्रेन है वो हमारे देश में ही विकसित होने लगे अच्छी किस्म के। एग्रीकल्चर है इसके अंदर दो चीजों पर जोर दिया गया, एक तो क्या थी वीट, गेहूं और राइस। भारत में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो चावल पे डिपेंडेंट है, चावल है वो खाते हैं। तो क्या हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद 1970 के पीरियड में, तो इससे क्या हुआ देश के अंदर जो फूड ग्रेन थे उनकी समस्या है वो दूर हो गई, और भारत ने अब क्या किया जो फूड ग्रेन है उसका जो इम्पोर्ट है वो कम हो गया। देखिए हमारा फूड ग्रेन कहाँ पे है, ये रहा, अब ये लगातार फिर से इंक्रीज है वो हो रहा है। फूड जो ग्रेन जो प्रोडक्ट थे वो लगातार क्या हुआ 1970 के दशक में कम हुआ, पर अब वो थोड़ी थोड़ा इंक्रीज है वो हो रहा है। फिर 1973 में पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट थे वो इंक्रीज हुए। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे ये था कि इसको फ्यूल के रूप में यूज करने के साथ, फ्यूल एक तो फ्यूल के रूप में यूज होता था ईंधन, और दूसरा जो यूज होता था वो होता था रॉ मटेरियल के रूप में, तो इसके कारण क्या हुआ काफी तेजी से ये बढ़ा। जैसे जैसे हमारा क्या हुआ कि जो फूड ग्रेन्स थे वो डिक्रीज हुए, उसका जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज हुआ, तो वैसे वैसे क्या इंक्रीज हो गया हमारा पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है या पेट्रोलियम से बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हुए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि ये न तो फ्यूल के रूप में यूज होता था, एक पॉइंट ये हो गया, पर दूसरा है ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता। फ्यूल जैसे कि जो हमारे जो ऑटोमोबाइल है इनके अंदर रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्री है उनके अंदर इस प्रकार से इनका जो यूज है वो होता था, एक कारण तो ये हो गया हमारा। फोर्थ क्या है कि जैसे कि जो गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर
इन चीजों का जो डायमंड है, रतन जिनको बोलते हैं, बहुमूल्य रतन है, हीरा है, गोल्ड है, सोना है, चांदी है, इन चीजों का भी क्या है कि एक बड़ी संख्या में आया था, वो होने लगा, जो इम्पोर्ट है वो होने लगा। तो इसका जो सीधा जो प्रभाव जो पड़ा हमारे शुरुआती दौर में कि 1950 और 60 के दशक के दौरान, इस समय हमारा जो ट्रेड है वो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट है वो करते थे कम और जबकि इम्पोर्ट है वो करते थे ज्यादा। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ट्रेड था वो 1950 और 60 के दौरान कैसा हो गया था, अनबैलेंस हो गया था। ये थे हमारे इंडियन इम्पोर्ट के कंपोजिशन के कुछ डाटा आपके सामने थे, ये आपको आसानी से याद। ये डाटा इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि ये जो पॉइंट जो मैंने बताए हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है सीबीएसई के दृष्टिकोण से। चलिए एक बार हम डाटा है इन पे भी नजर है हम मार लेते हैं। देखिए फूड एंड अलायंस जो प्रोडक्ट है वो 2009 और 10 में 2.9% इनकी भागीदारी थी और 2005 15 और 16 के अंदर ये बढ़कर कितनी होगी 5.1 और 2016 और 17 में बढ़कर 5.6 हो गई। ये क्या है कि लगातार इंक्रीज है वो होती रही है, इसके भी कुछ कारण है। आपसे जो सीबीएसई है वो ये पूछेगी कि जैसे ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये फिर इंक्रीज हो रहा है और ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है। कारण कुछ है, चाहे सीबीएसई हो या फिर जो यूपीएससी है वो आपसे, देखिए सीबीएसई में अंतर क्या है, सीबीएसई बात करेगी हाल ही के डाटा की, 1-5 साल तक का जो डाटा वो चलेगी, जो यूपीएससी है वो 10 साल तक का जो डाटा है उसके साथ कंपैरिजन वो कर लेगी कि 2009 और 10 में जो हमारे जो फर्टिलाइजर थे उनमें कितना था, 1.9 थे प्रतिशत भागीदारी थी, अब 2016 और 17 में 1.3 हो गया। कारण चार ऑप्शन देगा कि क्या कारण है, वो उनमें से एक आपको सिलेक्ट है वो करना पड़ेगा। ये थे हमारे इंपोर्ट के डाटा, ये तो हो गया हमारा Part-1। Part-1 में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे, Part-2 के अंदर हम करेंगे ट्रेड ऑफ डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एंड पोर्ट, कि जो पोर्ट है उनके बारे में दो टॉपिक बचे हैं उनको भी हम आसानी से क्लियर है वो कर लेंगे। आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके देख लीजिए, या फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।